करता हूँ आप सभी का भोजपुरी कलेक्शन चैनल में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के डायरेक्टर जो कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म का मुहूर्त किए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते जी। पूछा जाए क्या कहा जाए। जी सर, आपका जो आज पिक्चर जो मुहूर्त हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दरअसल ये धर्मशीला फिल्म्स प्रोडक्शन की ये फिल्म है और इसका टाइटल है करब ब्याह कचहरी में। अच्छा। और ये गाना आज जो रिकॉर्डिंग हुई है ये प्रियंका सिंह गायिका हैं और पंकज जी ने गाया है इस फिल्म को। और इसमें हीरो जो हैं सो आदित्य मोहन जी हैं और हीरोइंस इसमें तीन तीन हीरोइनें रहेंगी और उन सब का नाम अब धीरे धीरे सब क्लियर होगा। और त्रिलोक चौधरी जी इसमें कैमरामैन हैं और जो गाना विशेष तौर से जो ये एक फड़फड़ाता हुआ सॉन्ग है इसको शब्द दिया है माने हमारी बहुत ही वरिष्ठ ये हैं गीतकारा रंजू सिन्हा जी, डॉक्टर रंजू सिन्हा हैं। इनके गाने से आप लोग वाकिफ हैं, बहुत सारी फिल्मों में इन्हें लिखा है। मेरी पिछली फिल्म काजल में भी इनका एक गाना था और बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ अलग है क्योंकि भोजपुरी का अभी डिमांड हो गया है कि अब वो प्योर भोजपुरी देखना चाह रहे हैं ऑडियंस। वो अब नहीं चाह रहे हैं कि माने कुछ इस तरह की टाइटल हो जो हिंदी की तरह टाइटल हो। और बीच में लोगों ने थोड़ा सा एक चलन बना दिया था कि हिंदी फिल्मों के टाइटल को भोजपुरी में यूज कर रहे थे, लेकिन भोजपुरी के ऑडियंस का अब ये डिमांड। देखिए ये फिल्म जी सर, ये जो अभी का जो आपका फिल्म आप मुहूर्त किया आज उसकी, ये फिल्म किस टाइप का होने वाला, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अलग होने वाला है फिर? देखिए दरअसल क्या है कि ये फिल्म आज के युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आएगी क्योंकि टाइटल से ही क्लियर है करब ब्याह कचहरी में। आजकल एक ज़माना था कि जो भी लव मैरिज करता था तो लोग बोलता था ये लड़का बर्बाद हो गया या ये लड़की बर्बाद हो गई, लव मैरिज किया है। और जो रेगुलर अरेंज मैरिज होता था उसकी समाज में ज़्यादा ये मान्यता थी, लेकिन अब थी शब्द इसलिए कह रहे हैं कि अब बातें बदलती गई है और अब कितने सारे लोग हैं जो लव मैरिज किए हैं, दे आर सक्सेसफुल, उनका जीवन यापन बढ़िया हो रहा है, वो बड़े प्यार से रह रहे हैं। और बल्कि अरेंज वालों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अरेंज वालों में कि दोंगा में ये नहीं दिया तो तेंगा में ये नहीं दिया तो उन्होंने स्नो पाउडर नहीं भेजा तो ये किया, छोटी छोटी बातों पर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं और कुल मिला के दहेज के नाम पर और दुल्हन को जलाया जा रहा है, बहुत तरह की बातें होने लगी। तो अब वो बात नहीं रही है और समाज अब धीरे धीरे लव मैरिज को भी मान्यता देने लगी है। और इसलिए तो हमने अभी इन्हीं विषयों को उठाया है। अब इसमें किधर जोर दिया है कि इधर अरेंज मैरिज अच्छा है या लव मैरिज अच्छा है, इसके लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। हाँ, फिलहाल टाइटल इसकी रखी गई है करब ब्याह कचहरी में। इस फिल्म का शूटिंग कब तक स्टार्ट किया जाएगा सर? बहुत जल्द शुरू होगा, अभी गानों का सेशन चल रहा है, इसमें 8 गाने होंगे कम से कम, तो गाने सब किए जा रहे हैं एक के बाद एक और इसके बाद एक ही साथ लगातार शूटिंग करके पिक्चर कंप्लीट कर दी जाएगी। जी सर, और ये सर अभी आने वाले समय जैसे और भोजपुरी इंडस्ट्री के जैसे पवन सिंह खेसारी जी क्या फिल्म आप डायरेक्शन कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं की बात नहीं है, कर सकते क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर फिल्म मिलेगा तो मिलेगा की बात ही नहीं है। होता यह है कि मैं उन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ शुरू से, जैसे मैं हमेशा किसी मैं ये किया हूँ कि नए लोगों को ही फिल्म बनाया हूँ। हिंदी भी बनाया तो उस ज़माने में भी मतलब सब नए हीरो थे, शेखर सुमन थे, पूनम दास गुप्ता को पहला ब्रेक दिया था, ऐसे बहुत सारे फिल्में भोजपुरी में भी हम जब आए तो नई नई एक केरला की लड़की थी हीरोइन आस ने, उसको लेके बनाया था पिया के घर प्यारा लगे, इतनी सफल हुई वो फिल्म कि उसको देख के फिर जैन साहब जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर ने दे दिया गंगा के पार सैया हमार, तो उसमें भी गौरव दीक्षित करके एक नया लड़का था
और नई लड़की थी वो मानसी पांडे, वो भी काफ़ी दिनों तक एज ए हीरोइन अच्छी जमी रही। उसके बाद फिर मैंने बनाया गंगा के गंगा मिले सागर से, तो उसमें भी हीरोइन थी गुंजन कपूर, उसका लगभग पहला ब्रेक था। उसके पहले उसकी वो ये डायलॉग्स माने ये गाने बड़े हिट हुए थे, वो राजा जी वाला गाना था ना वो कि जा तारा परदेश बलमुआ, तो हाँ गवनवा ले जा राजा जी, तो उनकी ये एल्बम से काफ़ी वो पॉपुलर थी। लेकिन फिल्म मेरी पहली थी गंगा मिले सागर से, एंड सौभाग्य से उस फिल्म को पहला भोजपुरी का बेस्ट अवार्ड मिला, एंड एज वेल एज उसमें उस फिल्म को 7-8 अवार्ड मिले। तो मेरी इनकरेजमेंट होती गई कि नयों के साथ ही काम करके कुछ पाया जा सकता है। और आज मेरा इस इंडस्ट्री में भोजपुरी में 45 वर्ष हो रहा है एज ए डायरेक्टर, 20-22-25 फिल्में मेरी रिलीज हो चुकी हैं, 7-8 हिंदी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, एड फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें करता रहा। तो मुझे इतना इनकरेजमेंट लोगों का मिला कि मैं इन बातों में नहीं रहता, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऑफकोर्स कोई अगर ऐसा आता है कि फिल्म उनको लेकर बनानी है तो ज़रूर बनाएंगे, हम उन्हें पसंद भी करते हैं, उनकी फिल्में देखते भी हैं, और उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी उसमें होती है। तो मुझे किसी चीज़ से परहेज नहीं है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं हूँ कि उसके लिए आगे पीछे करूं और उनको पटाता फिरूं, तो ये काम मेरे से नहीं हो पाता है। जी सर अभी कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत सारे विवाद चल रहे हैं जो कि आप सुने होंगे आकाशा दुबे जी को लेकर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए ये कहानी तो ऐसा समर सिंह जी को दोषी ठहराया जा रहा है, आप इसके बारे में? अब देखिए दोषी कौन है तो कानूनी बात है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कौन दोषी है, समर सिंह है कि नहीं है। वैसे वो गायक थे, गायक के रूप में उभर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और अब मुझे दुख भी है कि वो जेल चले गए हैं, लेकिन सच्चाई तो आ ही जाएगी सामने। अब वो कानून का काम है, उसमें मैं कुछ ये नहीं कह सकता कि वो दोषी है या नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू रही बात, ऐसी घटना हो गई, ये लड़कियां जैसे यहाँ कई चीज़ें कई लोग इसमें सुसाइड किए हैं, जैसे एक रूबी सिंह थी पटना की लड़की, तो खास करके बिहार की लड़कियां ज़्यादा सुसाइड में आगे आई हैं। तो उसका कारण मैं यही समझ रहा हूँ कि बिहार बड़ा कल्चर्ड स्टेट है, बड़े सुसंस्कृत जगह है, और वहाँ से लड़की संस्कृत जगह से निकलती है और यहाँ आके पड़ जाती है रजिया गुंडों के बीच में। तो गुंडों के बीच में पड़ने के कारण वो बेचारी को सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता है। अब इसमें किसी एक व्यक्ति का तो दोष दिया नहीं जा सकता है, मैं तो यही कहूँगा कि वो रजिया फंसी गुंडों में, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे गुंडागर्दी कम होनी चाहिए, और हुई भी है, पहले से हुई है, लेकिन ये घटना हो के फिर से उस पर मतलब क्या बोलते हैं, ये लास्ट टिमटिमाता हुआ माने चिराग है, अब ये बुझ जाएगा धीरे धीरे और ऐसी बातें अब नहीं होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है कि आगे सुसाइड वाली बात नहीं आनी चाहिए। और कठिनाई तो सबको है, कठिनाइयों दुखों का यश ही सुयश है, तो लड़कियां हैं उनको भी यही कहूँगा कि स्ट्रगल करें, कोई चीज़ नहीं पसंद आती है छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन जीवन से क्यों आप ये करते हैं? जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे ही ये जाते जाते सर हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना, जो आपका फिल्म आ रहा है दर्शक पसंद के काफ़ी सोच फिल्म ला रहे हैं आप? देखिए दर्शक तो हमारे हैं, ये मुझे विश्वास है, दर्शक मेरी फिल्मों को पसंद करते हैं, लेकिन बीच के जो बिचौलिए लोग हैं उनको पसंद नहीं आती है ये बात कि ऐसे ऐसे नए नए लोग भी चलने लगेंगे तो फिर बड़े बड़े जो हैं उनका क्या होगा। तो बड़ों के बचाव में मेरे नए वालों को ज़रा घिसने पिटने के लिए तैयार रहते हैं, अब उसी में घिसटता पिसटता चलती है, और दर्शक मुझे तो दर्शक की तारीफ मिलती है, इसलिए मैं करता रहता हूँ यही काम। जी सर बहुत बहुत